कितनी खास, कितनी नेक और दीनदार बीवी की क्या फजीलत है। अगर घर में कोई दीनदार बीवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हमें मालूम हो जाए सबसे बेहतर माल कौन सा है तो उसे अपनाएंगे। अय अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतर माल कौन सा है, अगर हमें मालूम हो जाए तो उसे हम अपनाएं। आपने फरमाया, सुनो, सबसे बेहतर माल जिक्र करने वाली जबान, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र अदा करने वाला दिल, और दीनदार बीवी, ईमानदार बीवी जो तुम्हारे दीन के मामले में तुम्हारे मददगार हो। नमाज नहीं पढ़ते हो, बीवी कह दे। सदका खैरात नहीं है, बीवी उस पर उभारे। कोई बुरा काम हो गया, बीवी उस पर रोके। ये बीवी दीनदार, दीन के मामले में आपकी मददगार हो, सबसे बेहतर बीवी है, और सबके बेहतर, और दीन के मामले में मशवरा भी देने वाली हो, दीनी मामले में आपको समझाने वाली हो, आपको टोकने वाली हो, आपको मता सही रास्ता दिखाने वाली हो, ऐसी बीवी अगर घर में मिल जाए तो घर का मंजर ही बदल जाता है। क्या दीन के मामले में दूसरे की मददगार होता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने गए। देखो, बाज दफ़ा लोग क्या समझते हैं कोई मामले में कि अरे बीवी कम अकल वाली, ऐसा लोग बोलते, कम नाकिस अकल। अरे भाई, दुनिया के मामले में नाकिस अकल नहीं है, दीन के मामले में है, यानी कि वो नमाज उससे छूट जाती है। इसलिए तो लोग क्या समझते हैं कि अब दुनिया की चीज़ें भी कुछ नहीं पूछ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन हैं, नबी हैं, इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से मशवरा कर रहे हैं, जरा हमारे लिए उस्वा है कि नहीं है, नमूना है कि नहीं है। जरा वाकया सुनो, उमरा करने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपको उमरा करने से रोक दिया गया, 60 ऊंट लेकर गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का वालों ने अहदनामा लिख दिया, सुलेहनामा, जाओ, इस साल आप मक्का में दाखिल होकर उमरा अदा नहीं कर सकेंगे, अगले साल आइए। और शर्त यह है कि अगले साल आपके हथियार आपके बयानों में होंगे, कोई हथियार बाहर नहीं होगा, अगले साल आप आके उमरा करेंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे की नीयत से 60 ऊंट ले गए थे। आपने ये सुलेहनामा लिखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया है, मेरे सहाबा उठो, अपने अपने ऊँटों को नहर करो। सहाबे किराम में से कोई भी जुम्बिश नहीं किया, सबकी जबान पे यही था कि हम हक पर होकर दब रहे हैं। है तो मैंने ये भी तो कहा था ना, उस वक्त उन्हें पछतावा था बाद में कि मैंने वो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर की थी गुस्से में। आया अल्लाह के रसूल, हम हक पर हैं, क्यों हम ऐसा करें, चलेंगे, ताकत के बलबूते उमरा करेंगे। तो आपने कहा कि नहीं, जाओ अपने ऊँटों को ज़िबा करो। कोई भी सहाबी वहाँ से खिसका, वहाँ से उठे नहीं, सब बैठे रह गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे, सीधा घर अपने खैमे में आए। कौन थी आपके साथ में उस वक्त, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। पर्दा हटाया, घर में आए, खैमे में आए, उम्मे सलमा ने भाप लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या मामला है, ज़रा हमको बताइए। अपनी बीवी को इतना मत गिरा दो कि मशवरों में दूसरों को फॉलो करो, बीवी से मशवरा ही ना लो, नहीं, उसका भी हक है, उससे पूछो, शायद कोई पहलू निकल जाए आपकी अहलिया की जानिब से। ये देखो, ये मिसाल है, ये मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए, ये मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। उम्मे सलमा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे से ये इस तरह की उदासी क्यों है, मामला क्या है। रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा है, आए मेरी बीवी उम्मे सलमा, दरअसल मामला ये था कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, अब मैंने हुक्म दिया कोई भी सहाबी नहर करने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ। उम्मे सलमा ने कहा, रसूल अल्लाह, ये खंजर लीजिए और आप उठिए यहाँ से, सबसे पहले आप अपने ऊँट को नहर कीजिए, अभी देखिए आपकी इस किरदार और आपके इस काम को देखकर सहाबे किराम भी अपने अपने ऊँटों को नहर करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, ये है उम्मे सलमा, आज अपने मशवरों में हम दूसरों को फॉलो करते हैं, बीवी से नहीं पूछते। मैं ये नहीं कहता हूँ बीवी के गुलाम बन जाओ, लेकिन मशवरा कहाँ करना हो, वहाँ बीवी से भी राय लो। आप सल्लम उठे और जाकर नहर किया, सहाबे किराम देखते देखते तमाम ऊँटों का नहर करके बैठ गए। दलील दे रहा हूँ मैं, ताउन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जब रात में मियाँ बीवी आपस में उठ जाएं और उठकर दूसरों को जगा लें, उठ के नमाज तहज्जुद का अहतमाम करें, तो अल्लाह ताला उन दोनों को बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्दों और औरतों में शामिल कर देता है। अल्लाह, एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इमरान
इमरातन, अल्लाह ताला उस औरत पर रहम फरमाए। अल्लाह पर क्या खुशखबरी है, रहम रहमत की दुआ दे रहे हैं। कौन? हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। मर्द औरत दोनों को अल्लाह ताला उस मर्द पर, उस औरत पर रहम फरमाए जो रात के वक्त उठता है, उस औरत पर रहम, मर्द पर रहम फरमाए जो रात को उठता है और अपनी बीवी को उठाता है। अगर वो नहीं उठती है तो उस पर पानी की छींटे मारता है ताकि उठ, तू भी मेरे साथ नमाज पढ़ ले। अल्लाह उस औरत पर भी रहम फरमाए जो अब रात को उठती है और अपने शौहर को जगाती है। अगर उसका शौहर नहीं उठता है तो पानी की छींटे मारती है ताकि उसका शौहर उठकर नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला दोनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यह है दीन का मामला। ताऊन ताऊन एक दूसरे के लिए हो।